स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेट यूज़ करते समय जो पॉपअप ऐड आते हैं उसे कैसे बंद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी कोई किसी साइट में जाकर कोई गाना या फिर कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसमें पॉपअप ऐड के रूप में एक नया पेज जुड़ जाता है। तो चलो देखते हैं कि आप इसे कैसे आसानी से बंद कर सकते हैं। पॉपअप ऐड को बंद करने के लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल लीजिए, फिर उसमें सेटिंग में जाइए, सेटिंग आइकॉन में, फिर इसमें सेटिंग खोल लीजिए, सेटिंग को खोल लीजिए फ़ोन का, फिर उसमें सर्च टैब में सर्च कीजिए DNS करके, फिर DNS का आ जाएगा, उसमें DNS सर्च कीजिए। DNS में यहाँ पर दो दिखा रहा है, एक VPN है, दूसरा प्राइवेट DNS है। तो हमको प्राइवेट DNS पे क्लिक मारना है। तो ठीक है, इसके बाद आपके फ़ोन में या तो ऑफ होगा या फिर ऑटोमेटिक होगा, इस दोनों को नहीं चुनना है। हम लोगों को तीसरा चुनना है, प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम ऐसा करके आए, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका कुछ नहीं होगा, मैंने पहले से कर लिया था तो इसके कारण से ये दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है dns.edguard.com ऐसा करके, इसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए, फिर उसके बाद सेव कर दीजिए। उसके बाद इस टैब को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। उसके बाद आप जब भी क्रोम से कुछ भी डाउनलोड करेंगे, कहीं भी किसी भी साइट में जाकर ब्राउज़ करेंगे, तो उसके बाद पॉपअप ऐड आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो अपने तक सीमित मत रखिए, इसे औरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।